हेलो फ्रेंड्स, आज हम बन बनाए जो रेडीमेड गले वाले सूट होते हैं ना, उसकी कटिंग करना बताएंगे। तो इस तरीके से देखिए, नेक बना हुआ है। आप इसको बड़ा तो कर सकते हो लेकिन छोटा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो जॉइंट है ना, उसको हम खोलेंगे। तो इस तरीके से कपड़ा है, बीच में इसमें जॉइंट है जो अलग पल्ले का, बैक पीछे का, उसको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसकी कच्ची सिलाई होती है तो ये आसानी से निकल जाता है। इस तरीके से देखिए, तो हमने इस तरीके से इसे अलग कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इसकी लंबाई देखनी है कि ये कितना है। तो हमें इसकी तैयार लंबाई 35 इंच चाहिए, 35.5। तो ये ज़्यादा है, तो हमने पट्टी को निकालना है और बाद में ऊपर की साइड को हम पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। इसे हम इस तरीके से खोल लेंगे। ये भी कच्ची सिलाई करा हुआ है तो आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, इसके बाद हम इसे ऊपर की साइड को ज्वाइंट कर देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसे हम कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं गले को बढ़ा नहीं रही हूँ, जितना हमारा गला है उतना ही रखूँगी। तो गले को देख लेते हैं कितना है। तो इस तरीके से इंच रेख को तिरछा रखा तो ये 7 इंच है, यानी कि बन के ये 6.5 में तैयार होगा। आधा इंच ऊपर को दबाव में जाएगा। अगर बढ़ाना है तो इस तरीके से नीचे से और कट करेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। उसके बाद गले के बीचों बीच में यहाँ पर सेंटर निशान लगा रखा है, इसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं कि इस पे कॉटन लगी हुई है पीछे से, क्योंकि कढ़ाई वाला था। तो हम इसे रिमूव कर लेते हैं यहाँ तक, जहाँ तक कि हमें निशान लगाना है, यहाँ तक कि निशान क्लियर दिख सके। और उसके बाद सेंटर से ही मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड किया है। तो गला यहाँ पर देखिए 2.5 इंच है पहले से, तो हम 2.5 इंच ही हमें इसकी गले की जो है चौड़ाई चाहिए थी। तो ये फिक्स 2.5 इंच है, इस तरीके से नाप लेना है। उसके बाद तीरा लेंगे, तो इस निशान को हम जहाँ पर से गला था हमारा वहीं से इंच टेप को रखेंगे। तीरा यहाँ पर मैं 7 इंच रख रही हूँ, तो ये 7 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद 7 इंच ही हम यहाँ पर आरमोल लेंगे, जितना हमने तीरा लिया था उतना ही हमारा आरमोल जाएगा। यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो एक बारी हम यहाँ से भी चेक करेंगे कि यहाँ से भी ये 7 इंच ही होना चाहिए। थोड़ा सा तिरछा जा रहा था तो हमने इसे ठीक कर लिया है। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर सीने का चौथा हिस्सा रखना है हमने। तो हमारा सीना था 37 इंच, तो उसका 4 फोल्ड रखेंगे यहाँ पर हम 9.2 इंच। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से सीधा आगे। के बाद हम यहीं से इंच टेप को रखेंगे और कमर के लिए दूरी 7 इंच पर रखेंगे और हिप के लिए भी यहाँ पर 7 इंच पर, यानी कि 14 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पर अब हम रखेंगे कमर का नाप, तो कमर है हमारी 34 इंच, उसका चौथाई भाग रखेंगे 8.5 इंच, ये इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा हिप का मार्क जाएगा, तो हिप है हमारे यहाँ पर 9.5 इंच, यानी कि 38 इंच है, तो उसका 9.5 इंच आएगा चौथा हिस्सा। और इन निशानों को आपस में हम इस तरीके से स्केल की मदद से तिरछा मिला लेंगे। और उसके बाद हम आरमोल की गोलाई देंगे, तो फ्रंट आरमोल हमारे यहाँ पर 1 इंच से दूंगी मैं गोलाई इस तरीके से, और बैक आरमोल की गोलाई यहाँ पर 1.5 इंच से जाएगी। तो इस तरीके से इसी निशान पर मैंने इसे मिला दिया है, देखिए। और उसके बाद यहाँ से आगे को 2 इंच बढ़ाऊंगी मैं मार्जिन के लिए, जो कि हमारा अगर बाद में काफ़ी सूट टाइट होता है तो उसे हम लूज कर सकते हैं। इस तरीके से 2-2 इंच यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ और इसको भी इस तरीके से मिला लूँगी। और उसके बाद यहाँ से मैं सीधी लाइन नीचे को भी खींचूँगी, तो ये है हमारा मार्जिन और ये है हमारा हिप का निशान, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कट का निशान दूंगी बाद में। अब आपको 1/2 इंच ऊपर शोल्डर को झुकाना है इस तरीके से, देखिए यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच इसको झुकाव देंगे इस तरीके से, ज़्यादा नहीं देना है, बस 1/2 इंच। और इसी मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे और इसकी लंबाई चेक कर लेते हैं फिर से। तो हमें 35 इंच, 35.5 इंच हमने इसको तैयार रखना है।
तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और अब हम पट्टी को रखेंगे, तो पट्टी को हम इसी के ऊपर से रखेंगे इस तरीके से, देखिए। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काटेंगे और थोड़ा सा बहुत हम ऊपर की साइड को फोल्ड कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं और पूरी सूट की हम कटिंग इसी तरीके से करेंगे। तो पहले हम तीरे की कटिंग करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के ऊपर से रखेंगे और इस तरीके से पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा एक दूसरे से अटैच रहे इस तरीके से। और इसी के बराबर में अब हम कटिंग करेंगे। गले की कटिंग हमने नहीं करनी है, वो हम बुकरम में करेंगे। अगर करनी होती तो यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाते 2.5 इंच पर ही। यहाँ पर मैंने बुकरम पर पीछे की गले की कटिंग कर रखी है, इसे मैं अटैच करूँगी बाद में। अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग करनी है, तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी कर ली है कटिंग। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, उसके बाद हम फ्रंट पल्ले को अलग कर लेंगे और इसकी जो गोलाई है वो दे देंगे, ठीक है। तो पल्लू की कटिंग तो हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक से आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है, तो ये इतना बचा है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और एक बार इसे हम इस तरीके से और फोल्ड करेंगे और कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई यहाँ पर 13 इंच है हमारी, और जो हमारा इस सूट से पिजामे से कपड़ा बचा था थोड़ा बहुत, उसे यूज कर लेंगे पट्टी के लिए। तो ठीक है, तो बराबर से इसकी लंबाई हमारी 16 इंच हम रख लेंगे। तो और इसे हम पिनअप कर लेते हैं इस तरीके से, देखिए। और उसके बाद मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी का हाफ रखना है यहाँ पर, जितनी भी आपकी मोहरी होगी। मेरी 4.5 इंच मोहरी है हाफ। उसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच मैं अंदर को ले रही हूँ, 2.5 से थोड़ा ज़्यादा ही, 2 पॉइंट ले रही हूँ ज़्यादा। इसको हमने सीधा किया। उसके बाद यहाँ पर हमने आर्मोर की कटिंग करी थी 7 इंच, और यहाँ पर 0.5 इंच एक्स्ट्रा 7.5 कर लेते हैं और इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और इसको हम इस तरीके से हम शेप दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से जो हमारा फिक्स निशान है उसको हम मिलाएंगे, और उसके बाद मार्जिन। तो यहाँ पर मैंने सूट पर इतना ही मार्जिन लिया था 2 इंच का, यहाँ पर भी मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, और इसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट आर्मोर की गोलाई दूंगी मैं 1 इंच से इस तरीके से, और इसको हम खोल लेते हैं क्योंकि हमने फ्रंट पल्ले में ही इसकी गोलाई देनी है। इस तरीके से कपड़े को खोलते हुए बाद में इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। तो ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। होप करूँगी कि ये सूट की कटिंग आपको पसंद आएगी। तो ये देखिए, ये इस साइड से हो जाएगा, और हम पलटते हुए निशान को दूसरे पल्ले में भी ले लेंगे इस तरीके से, देखिए। तो ये निशान हमारे दूसरे वाले पल्ले पर भी लग जाएंगे ऑटोमेटिक। तो पूरे सूट की कटिंग यहाँ पर हमारी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।